फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक एंड हेल्दी बाइट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी एंड डिलिशियस व्हीट कुकीज। तो विदाउट मच एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज क्विक एंड हेल्दी बाइट्स। डू प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एज इट रियली मीन्स अ लॉट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस अमेजिंग रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर। तो एक बोल में हम व्हीट फ्लावर डाल के उसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से सीव कर लेंगे। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी सामान जो आप डालें उसको सीव कर लेना चाहिए, बिकॉज उससे बेकिंग प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है। 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें बेसन। आप चाहें तो सब साथ में डाल के भी सीव कर सकते हैं। जितने भी मोटे पार्टिकल्स हैं आप इसे हटा दें। अब मैंने मिश्री को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ग्राइंड कर लिया था, तो मैं वही 4 टेबलस्पून ऑफ ग्राउंडेड मिश्री विद पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। तो सॉल्ट को मैंने इसलिए ग्राइंड किया सो दैट जो उसके बीच अगर मोटे पार्टिकल्स हैं, आजकल जिस तरह के मिलते हैं सॉल्ट, उसमें एक पार्टिकल मोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी स्मूथ हो गया। एंड 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर डाला मैंने। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से स्पैटुला से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक अपना कढ़ाई प्री हीट करने के लिए चढ़ा देंगे। तो उसमें एक स्टैंड लगा के आप इसे ढक दें फॉर अराउंड 5-10 मिनट्स और ये प्री हीट अवन हमारा जो है इन अ फॉर्म ऑफ कढ़ाई रेडी हो जाएगा। अब हम जो हमारा मिक्सचर है डो का, उसमें घी ऐड करेंगे, बट हमें उसे आराम से धीरे धीरे करना है। तो अराउंड 4 टेबलस्पून हम घी ऐड करेंगे, बट बीच बीच में हम इस तरह से इसे स्पैटुला से मिक्स करते जाएंगे एंड चेक करते जाएंगे कि ये अच्छा क्रम्बल टेक्सचर दे रहा है कि नहीं। सो इट्स टाइम टू पुट इन योर क्लीन हैंड्स एंड मेक अ डो। तो आप देख रहे हैं इस तरह का क्रम्बल टेक्सचर मिलेगा आपको, बट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस डो। हल्के हाथों से बस आपको इसे डो की तरह रेडी करना है। तो वो क्रम्बल टेक्सचर तो हमें मिल गया, बट बाइंडिंग के लिए मैं 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क डाल रही हूँ, वो भी डिपेंडिंग कि हमें कितनी बाइंडिंग चाहिए। तो आप अपना आपका जो आटा है उसका बाइंडिंग देखते हुए आप वो मिल्क डालें। तो ये डो तो हमारा रेडी है, अब इसे हम 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे एंड उसके बाद हम इस तरह से इसका बॉल्स बना लेंगे। उसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए, नाइफ को यूज़ करते हुए शेप दे देंगे। If you have butter knife, आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी नॉर्मल नाइफ का जो पीछे का पार्ट होता है विच इज़ नॉट शार्प, वो एज यूज़ करके आप ये शेप्स दे सकते हैं। और यू कैन जस्ट मेक इट राउंड एज यू लाइक। इसमें हम ऊपर लगा देंगे टूटी फ्रूटी, आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स, आमंड, पिस्ताचियो, कुछ भी लगा सकते हैं, वट एवर यू लाइक। मेरे पास टूटी फ्रूटी है तो मैंने वो बना के रखा है। ये ग्रीस्ड प्लेट में मैंने ये सारे प्रिपेयर्ड कुकीज़ डाल दिए हैं और अब हम इसे अपने जो प्रीहीटेड हमारा कढ़ाई था उसमें डाल देंगे। तो इसको हमें अराउंड 35-40 मिनट्स बेक करना है, बट ये जो मेरा कुकीज़ है ये थोड़ा थिक है, तो अगर आप थोड़ा पतला कुकी बना रहे हैं तो आप उसे कम टाइम के लिए बेक करें। सो दैट्स इट, हमारा ये जो कुकीज़ है ये रेडी है। सो आई एम श्योर द किड्स विल लव इट एंड यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद दिस रेसिपी। सो डू ट्राई इट, स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड एन्जॉय कुकिंग। थैंक यू।